नमस्कार। राष्ट्र जागरण YouTube चैनल के आठवें भाग में सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत। मैं हूं सतीश मराठे। 4 दिसंबर को प्रसारित सातवें भाग में हमने मार्शल ऑफ इंडियन एयरफोर्स अर्जन सिंह साहब की बेहद रोमांचित करने वाली शौर्य गाथा सुनी थी। आज के भाग में हम ऐसे सैनिक की चर्चा करने जा रहे हैं जिन्होंने नहीं सिर्फ अपने शौर्य से सेना का मनोबल ऊंचा उठाया, लेकिन इतिहास में भी अपना नाम दर्ज किया। इस बहादुर सैनिक का नाम है लेफ्टिनेंट कर्नल डेसमोंड हाइडे। 1965 में पाकिस्तान के विरुद्ध जो हमारा युद्ध हुआ था, उस युद्ध में कई मोर्चों पर पश्चिमी क्षेत्र पर घमासान लड़ाई हुई थी। उसमें से एक बहुत ही महत्वपूर्ण लड़ाई, जिसे गेम चेंजर भी कहा जाता है, वो लड़ाई लाहौर के पास डोगराई नामक गांव में लड़ी गई थी। अगस्त सितंबर महीने में, जैसा कि आप सबको ज्ञात है, पाकिस्तान ने कश्मीर हत्यायन के दुष्ट इरादे से जम्मू कश्मीर पर ज़बरदस्त हमला बोल दिया था। जब उन्हें कुछ सफलता मिलती दिख रही थी शुरू में, तब भारत ने कश्मीर पर से दबाव कम करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सीमा पार करते हुए पंजाब में अपना मोर्चा खोल दिया था। इसी के चलते एक क्षेत्र में 3 जाट रेजिमेंट, जो डोगराई के पास, जिसे टास्क दिया गया था, ये डोगराई गांव लाहौर से सटे इछोगिल कैनाल के बहुत नज़दीक है। 1 सितंबर को पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर पर बहुत ही ज़बरदस्त हमला बोल दिया था। उसके बाद 3 जाट रेजिमेंट, जिसका नेतृत्व लेफ्टिनेंट कर्नल डेसमोंड हाइडे कर रहे थे, वो एक एंग्लो इंडियन अधिकारी थे, उनके पास 3 जाट रेजिमेंट की कमान थी। यह रेजिमेंट को यह टास्क दिया गया था कि वो किसी भी हालत में डोगराई को अपने कब्जे में करे, ताकि हम लाहौर की तरफ आगे बढ़ सके थे। लेकिन अंग्रेज़ों के ज़माने में लाहौर के इर्द घेराबंदी के रूप में एक इछोगिल कैनाल नामक एक बहुत मजबूत नहर बनी हुई थी। जैसे ही हमारे सैनिक इछोगिल कैनाल के ओर आगे बढ़ने लगे, 3 जाट रेजिमेंट आगे बढ़ने लगी, उसी समय पाकिस्तानी सेना ने इछोगिल कैनाल पर बना हुआ एक पुल बम से उड़ा दिया था। इसका उद्देश्य यह था कि भारतीय सेना लाहौर तक न पहुँचे। लेकिन 3 रेजिमेंट ने बहुत बहादुरी दिखाकर 6 सितंबर को, जिस दिन की पाकिस्तानी सेना ने और उनके वायुसेना ने हमारे 3 जाट रेजिमेंट पर ज़बरदस्त बमबारी की, इस बमबारी का परिणाम यह हुआ कि 3 जाट रेजिमेंट की जो संचार व्यवस्था थी, जो यंत्रणा थी, वो पूरी तरह से तहस नहस हो गई थी। और दोपहर के 3 बजे तक तो पाकिस्तान ने ज़बरदस्त शेलिंग हमारे 3 जाट रेजिमेंट पर जारी रखी थी। इसके बावजूद भी शाम होते होते जाट रेजिमेंट ने ज़बरदस्त सफलता प्राप्त की और डोगराई को अपने कब्जे में किया। लेकिन दुर्भाग्यवश संचार व्यवस्था ध्वस्त होने के कारण वो अपने ब्रिगेड हेडक्वार्टर को सूचना नहीं दे सके, और कुछ संभ्रम की स्थिति भी पैदा हुई। कुछ डिसइंफॉर्मेशन के चलते जीतने के बावजूद भी 3 जाट रेजिमेंट को पीछे हटने का आदेश दिया गया था। इसी आदेश का पालन करते हुए 3 जाट रेजिमेंट 9 किलोमीटर पीछे हट गई। उसके बाद 21 सितंबर को फिर से डोगराई गांव को कब्जा करने का आदेश 3 जाट रेजिमेंट को दिया गया था। इस दूसरे हमले की पूरी योजना, पूरी तैयारी और पूरा संचालन डेसमोंड हाइडे साहब के ही कंधों पर था, और उन्होंने यह भूमिका भली भांति और सफलता के साथ पूरी की। 21 तारीख को ज़बरदस्त हमला करते हुए हमने डोगराई गांव पर कब्जा कर लिया था। इस लड़ाई में 3 जाट रेजिमेंट के 81 सैनिक वीरगति को प्राप्त हुए, जबकि ये रेजिमेंट ने पाकिस्तान के 300 सैनिकों को मौत के घाट उतारा था। 21 तारीख को हमला के लिए जाने के पहले, युद्ध पर जाने के पहले, हाइडे साहब ने अपने सैनिकों को 2 सख्त आदेश दिए थे। ये क्या थे? पहला आदेश था कोई भी पीछे नहीं हटेगा, और दूसरा आदेश था जिंदा या मुर्दा डोगराई में ही मिलना है।
हमारे देश के मिलिट्री के इतिहास में आज भी बड़े सम्मानपूर्वक इन दो सख्त आदेशों की अत्यंत आदरपूर्वक और सम्मानपूर्वक चर्चा की जाती है। डेसमंड हायडे साहब को इस बहादुरी के लिए महावीर चक्र से पुरस्कृत किया गया था। 1978 में निवृत्ति के पश्चात वो अपने पैतृक स्थान कोटद्वार गांव में बस गए थे। यह गांव उत्तराखंड राज्य के गढ़वाल जिले में स्थित है। इस पैतृक गांव में डेसमंड हायडे साहब की 20 एकड़ की जमीन थी। वह जमीन उन्होंने एक सामाजिक संस्था को दान कर दी ताकि वहां पर एक स्कूल का निर्माण हो सके। स्कूल के निर्माण के बाद उसकी जो आमदनी आती थी उसमें से कोई भी हिस्सा लेने से कर्नल हायडे साहब ने मना कर दिया था। इतना ही नहीं, उस स्कूल के संचालन में और उसके दैनंदिन का कार्यक्रमों में उन्होंने कभी भी दखल अंदाजी नहीं की। उन्होंने इस स्कूल के लिए एक प्रार्थना दी थी, वो इस प्रकार है। कदम बढ़ाते चल, सुर मिला के चल, आंधियों से तू न डगमगा, सच की राह पर चल। यह उनका एक सामाजिक दायित्व था जो उन्होंने पूरी निष्ठा और ईमानदारी से निभाया। इस योद्धा ने 25 सितंबर 2013 को अंतिम सांस ली। इसके पहले 2011 में उस समय के मुख्यमंत्री उत्तराखंड के, उन्होंने कर्नल हायडे साहब को स्टार ऑफ गढ़वाल इस पुरस्कार से भी सम्मानित किया था। ऐसे प्रतिभाशाली, गुणवान, निस्वार्थी और प्रभावशाली व्यक्तिमत्व से हमने बहुत कुछ सीखना है। उन्होंने जो अपने जीवन शैली के द्वारा, बहादुरी के द्वारा और समर्पण भाव से जो आदर्श प्रस्तुत किया, वो लंबे पीढ़ी तक हमें, लंबे समय तक हमें याद रखना है। इस गौरवशाली सैनिक की यह गाथा के साथ ही हम आज का ये कार्यक्रम समाप्त करते हैं। अगला भाग नव वर्ष के पहले दिन यानी 1 जनवरी को प्रसारित किया जाएगा। धन्यवाद। जय हिंद। कितने वर्ष ढले?